हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एटीए पिन पर एक बार फिर से। तो हम आज आपके लिए फिर लेके आए हैं कुछ आईएस इंटरव्यू में पूछे गए अतरंगी एवं इंटरेस्टिंग एवं पहेलियाँ जो क्लेम आईएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो आज हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, तो बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूले दोस्तों। तो आज हम बताएंगे आपको कुछ ऐसे 10 सवाल। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे 10 सवाल, टॉप 10 क्वेश्चंस जो आपको यूपीएससी एग्ज़ाम, सिविल सर्विस एग्ज़ाम, आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं उनके लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उन्हें जानना भी चाहिए। इंटरव्यू में रीजनिंग से लेकर भी कई बार पहेलियाँ पूछ ली जाती हैं। हालांकि अधिकतर सवाल कैंडिडेट्स के विषय क्षेत्र से और करंट अफेयर्स से जुड़े होते हैं, बहरहाल यहाँ हम आपको कुछ ट्रिकी सवाल उनके जवाब बता रहे हैं। ये सवाल हर सरकारी नौकरी के परीक्षा में काम आएंगे। तो पहला सवाल है, आप नाश्ते में कभी भी क्या नहीं खा सकते? इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? आप नाश्ते में कभी भी क्या नहीं खा सकते हैं? इसका आंसर होगा जवाब डिनर, यानी रात का खाना। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, लोटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटल पॉट। थर्ड नंबर पे आते हैं दोस्तों, तीसरे सवाल पे आते हैं, इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? ये तो सभी को पता होगा, जिसको जिन्हें पता है वो हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट करें। पता है, मैं फिर भी बता देता हूँ उसका आंसर, इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटीग्रेशन एरिया। इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंस एरिया। चौथे नंबर पे आते हैं दोस्तों, दो जुड़वा बच्चे मई में पैदा हुए थे लेकिन उनके जन्मदिन जून में है, यह कैसे संभव है? दो जुड़वा बच्चे मई में पैदा हुए थे लेकिन उनका जन्मदिन जून में है, क्या संभव? मई शहर का नाम है, तो यह इसका आंसर है मई, क्योंकि मई शहर का नाम है दोस्तों। चलिए पांचवें क्वेश्चन में आते हैं, अगर दिन में तारे चमक के रात को सूरज में, तो क्या होगा जवाब? इसका जवाब है, इसका आंसर होगा क्या दोस्तों? अगर दिन में तारे चमके रात को सूरज, तो क्या होगा? इसका जवाब होगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों के नाम बदल लेंगे, दिन को रात और रात को दिन कहना शुरू कर देंगे। छठे क्वेश्चन पे आते हैं, राहुल की फोटो की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, उसकी बहन का पिता मेरे पत्नी की माँ का पति है, विजय और राहुल का क्या रिश्ता है? इसका आंसर होगा दोस्तों, जीजा और साला का। सातवें नंबर पे आते हैं, अगर आँख को मुंह, मुंह को नाक और नाक को कान और कान को जीभ कहते हैं, तो आप किससे सुनते हैं? जीभ। इसका आंसर होगा जीभ से। आठवें नंबर पर आता है दोस्तों, वह क्या है जो बाहर फ्री में और अस्पताल में पैसा मिलती है? ऑक्सीजन। नौवें नंबर